तुम लोगों का रिडॉक्स वाला चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम लोग एक और चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। 11th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर है और वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक तुम कह सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री का गैसियस स्टेट होता है। तो इसमें हम एक एक करके लॉस जो हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इन्वॉल्व है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, और उसके अलावा धीरे धीरे हर वीडियो क्लास में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जो यूनिट कन्वर्जन्स रहते हैं, जैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जब हम जा रहे हैं तो क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, उन सारी चीज़ों पे भी बातचीत कर लेंगे। जैसे आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है बोल्स लॉ। ठीक है, तुम लोगों के लाइफ के जो सबसे सिंपल चार लॉज होते हैं उनमें से पहला आपका ये वाला लॉ, कुछ नहीं है, एक इंसान को PV इक्वल टू NRT आनी चाहिए, बस बात ख़त्म हो जाती है वहीं पर। ठीक है, अगर आपको PV इक्वल टू NRT आता है तो आप लोगों को बोल्स लॉ या फिर कोई दूसरा भी जो लॉ है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार का। ये कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ठीक है, कि जिसमें तुमको ऐसा हो जाए कि अरे यार कैसे, ये तो समझ ही नहीं आया। ये बहुत ही सिंपल सी आसान सी मैथमेटिक्स है, उसके अलावा ये और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया जानती है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू NRT, है ना। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा है मूल कंसेप्ट में। अब मान लेते हैं इस आइडियल गैस इक्वेशन को तुम कहते हो कि मैं इस गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर लूँगा। ठीक है, आप इस गैस से क्या अचीव कराना चाहते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर अचीव कराना चाहते हो। तो जब आप इसका कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करोगे, तो तुम खुद सोचो n तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने कंटेनर के अंदर में जितने मोल्स रिएक्शन की स्टार्टिंग में रखे हैं ऑब्वियसली उतने अभी भी होंगे। R जो रहेगा ये आप लोगों का अगेन एक यूनिवर्सल बल्कि कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को तुमने अगेन कांस्टेंट कर दिया। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास जो राइट हैंड साइड की पूरी NRT वाली जो पूरी की पूरी इक्वेशन है, वो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। यानी कि आपको क्या मिल गया, PV इक्वल टू कांस्टेंट मिल गया। बस इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का बोल्स लॉ कहते हैं, और कुछ भी नहीं होता है बोल्स लॉ। बस आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस लॉ में आपने कौन सी चीज़ को कांस्टेंट रखा है, ख़त्म हो जाती है बात। अब लोग इसके फॉर्मूला रट्टा मारते हैं, फॉर्मूला रट्टा मारने की तो देखो और भी ज़्यादा नीड नहीं होती, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा ध्यान रखोगे तो बराबर बनते। जैसे PV इक्वल टू कांस्टेंट होगा बोल्स लॉ के लिए, ये तुमको भी पता है मुझको भी पता है। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसा लिखते हैं लेट अस से कि आपके पास दो कंटेनर होते, कंटेनर नंबर 1 और दूसरा होता आपके पास कंटेनर नंबर 2। ठीक है, अच्छा, अब कंटेनर नंबर 1 में हम लोग जब बोल्स लॉ लगा रहे हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, P1 V1 इक्वल टू, बोलो क्या होगा। R तो देखो दोनों के लिए सेम रहेगा, तो R1 लिखने की तो बेवकूफ़ी करनी ही चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब T को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी सेम रहेगा। अब आ जाती है मोल्स की, अगर मान लेते हैं आप दोनों कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हो तो आप यहाँ पे N वर्ड यूज़ करो। ठीक है, मैं भी कंडीशंस दोनों करके दिखाऊंगी, और अगर नहीं, लेट से कभी क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, या फिर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जाती जिससे हमें ये पता चले कि वहाँ इक्वल मोल्स है भी कि वहाँ पे इक्वल मोल्स नहीं है, तो इन दैट केस हम वो आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा साफ साफ लिखा है कि जो दो कंडीशंस जिनमें आप कांस्टेंट टेम्परेचर वाली सिचुएशन लगा रहे हो, उस कांस्टेंट टेम्परेचर वाली सिचुएशन में अगर दोनों तरफ मोल्स इक्वल हैं तो बताओ ये चीज़ क्या हो जाएगी आप लोगों की लाइफ में, ये हो जाएगा आपका P1 V1 इक्वल टू NRT। ठीक है, अपॉन में क्या ले लिया मैंने, P2 V2, यहाँ पे अपॉन में NRT, राइट हैंड साइड तो पूरा कट गया। सो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब इसको रट्टा मारते हैं कि बोल्स लॉ के लिए फॉर्मूला जो इस्तेमाल होता है वो होता है P1 V1 इक्वल टू P2 V2। इसमें रट्टा मारने लायक क्या है, कुछ भी नहीं है। ये तो आप ऐसी चीज़ है जो आपको खुद डिराइव बल्कि करते आनी चाहिए ना, तो इसमें रट्टा मारने लायक जैसा कुछ भी नहीं था। अच्छा,
पॉइंट नंबर टू में आते हैं। ये पूरी कंडीशन जो मैंने की, इस कंडीशन का एक है कि यहाँ पे आपने टेम्परेचर तो कांस्टेंट बॉयल्स लॉ पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली मेंटेन किया ही है, बट साथ ही साथ में यहाँ पे तुमने कांस्टेंट क्या मेंटेन करके रखा है बताओ, मोल्स। आपने मोल्स को भी ये मान के चल रहे हो कि दोनों कंटेनर में इक्वल नंबर ऑफ मोल्स है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये सिचुएशन ऐसी होती कि आपके पास टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो जाता, नो डाउट, लेकिन अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास जो नंबर ऑफ मोल्स है अगर वो कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट नहीं होता फिर क्या करते, तब का सिचुएशन कैसी क्रिएट होती? तब बहुत ही सिंपल है, हम जैसा लिखते हैं ना कि पी वन वी वन इक्वल टू, फिर वो आता एन वन और फिर आर और यहाँ पे टी। यहाँ पे सेकंड कंडीशन क्या होती, पी टू वी टू इक्वल टू क्या, एन टू आर अप इंटू टी। जब तुम रेशियो लेते तो अपने आप तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाता, पी वन अपॉन वी वन अपॉन में कितना आ जाएगा पी टू वी टू इक्वल टू कितना आपका, कितना एन वन अपॉन में एन टू। ये इस तरीके से ये होती फिर तुम्हारे पास सिचुएशन। तो देखो फॉर्मूला ना कभी मत रटा करो कि बॉयल्स का ये लॉ का ये फॉर्मूला है, चार्ल्स लॉ का ये फॉर्मूला है, ये सब फालतू चीज़ है, इन्हें कभी मत रटो। जो इकलौती चीज़ है जो तुम्हें अपने दिमाग ध्यान में रखनी है वो ये कि क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट क्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो डेफिनेटली पी वी इक्वल टू एन आर टी में आर कांस्टेंट रहता है, टी कांस्टेंट रहता है, मतलब ऑब्वियसली लॉ के अकॉर्डिंग किया है, और एन को आप कांस्टेंट लेकर चलोगे। ठीक है, एन को आप कांस्टेंट लेकर चलोगे अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन में एग्जैक्टली ऐसा ना बोला जाए कि हाँ करके मोल्स तो देखो ना भैया वेरी कर रहे हैं। अगर मोल्स के बारे में कोई कमेंट नहीं किया गया तो ये ऑब्वियस है कि वाली चीज़ ज़रूर आपकी कैसी रही होगी, कांस्टेंट रही होगी। और एक्चुअल में बॉयल्स लॉ ये नहीं होता है पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू, बॉयल्स लॉ ये होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इज कांस्टेंट। ठीक है, अगर मान लेते हैं अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बॉयल्स लॉ क्या है तो मैं उसको डिफाइन कैसे करूँगी कि अगर मान लेते हैं हमारे पास किसी भी गैस का फिक्स्ड अमाउंट है। अब देखो फिक्स्ड अमाउंट वाला वर्ड बोलते बराबर हमने ये वहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया कि हम मोल्स को क्या रखना चाहते हैं यार, कांस्टेंट रखना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा ऊपर से ये जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है इसका टेम्परेचर भी हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये बोलना चाहता है वो कि इन दोनों सिचुएशन में जो प्रोडक्ट होता है किस चीज़ का, आप लोगों के प्रेशर का, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या आप लोगों का जो वॉल्यूम, प्रोडक्ट मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो मल्टीप्लाई देने की नीड नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम इज व्हाट कांस्टेंट, ये वाली चीज़ कैसी होती है आप लोगों की, कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्रोडक्ट किसका, प्रेशर एंड वॉल्यूम का, कैसा आएगा, कांस्टेंट आएगा। किस पर, जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर को और इक्वल क्वांटिटी ऑफ गैस को हम लोग यूज़ कर रहे होंगे बार बार, तो दैट्स ऑल, दिस इज एक्चुअली अ बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो छोटे मोटे MCQs होते हैं वो देखो इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं कि लेट्स इमेजिन तुम्हें दो कंडीशन दे देगा, एक कंडीशन का पी वन वी वन दे देगा, दूसरे कंडीशन का पी टू वी टू दे देगा, है ना, और तुमसे फिर ये पूछ लेगा कि बताओ करके कि इसका ये क्या है, पी वन कितना था, उसका पी टू कितना था, इसका वी वन कितना था, इसका वी टू कितना था, ये सारी बातचीत। ठीक है, इसके जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नो डाउट, बट इसी तरीके की चीज़ें तुम लोगों से पूछी जाती है। दूसरी चीज़ें होती हैं ग्राफिकल, जाते हैं गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अति आवश्यक है तो वो होते हैं ग्राफ्स। अब एक एक करके हम लोग ग्राफ्स की स्टडी करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ग्राफ वो आपकी लाइफ में आ रहा है अगर तुम्हें किसी ने कहा है कि पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, मैं के को अपना कॉन्स्टेंट ले रही हूँ, सो कैन आई राइट दैट पी वी यानी कि पी इक्वल टू के अपॉन में डैट वी, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि प्रेशर का और वॉल्यूम का आपस में कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स का रिलेशनशिप है। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर कोई तुमसे ये कहेगा कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सा वाला ग्राफ प्लॉट करना है, वाई एक्सिस पे आप रखना चाहते हो प्रेशर और एक्स एक्सिस पे रखना चाहते हो वॉल्यूम। अब ये चीज़ उल्टी भी हो सकती थी कि तुम वाई एक्सिस पे वॉल्यूम रखना चाहो और एक्स एक्सिस पे प्रेशर, बट जो एक चीज़ दुनिया की कभी चेंज नहीं होती कि दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
मैं एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई कहूँ या वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स कहूँ, इट मीन्स द सेम. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको किसी भी तरीके से लिख सकती हूँ. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब बात आता है ग्राफ दिखता कैसा है. तो जब भी आप इस तरीके की इनवर्स वाली चीज़ों का ग्राफ बनाते हो, जब भी आप इस तरीके की इनवर्स वाली चीज़ों का ग्राफ बनाते हो कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के इनवर्स है, तो तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए उनका जो ग्राफ बनता है, उनके ग्राफ का जो नेचर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. ये ऐसा बराबर, ये ऐसा दिखता है. ठीक है, और इस पर्टिकुलर नेचर ऑफ ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स. इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स. ये ऐसा दिखता है आप लोगों का ग्राफ, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इस पर्टिकुलर सिचुएशन का. ठीक है, मैंने ग्राफ बनाया तो ये ऐसा दिखता है. अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर आप लोगों को बहुत ही उम्दा सवाल आते हैं. अच्छा, ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं आप लोगों के लीटर में और प्रेशर ले रहे हैं हम लोग एटीएम में. ऐसा क्यों, क्योंकि वो जो आर की यूनिट थी वो 0.0821 लीटर एटीएम थी, इसीलिए. ठीक है, ध्यान रखोगे यूनिट्स का. अब इस पर्टिकुलर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखो कैसा रहेगा. आपको एक आइसोथर्म दे देगा. ठीक है, ये मान लेते हैं तुम्हारी वाई एक्सिस हो गई, ये तुम लोगों की एक्स एक्सिस हो गई. अब यहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर्स पर तुम्हें बहुत सारे आइसोथर्म्स दिए हुए हैं. ये बहुत ही फेमस सवाल है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे द्वारा इन्वेंटेड है. ये मीन्स ये पढ़ो या आप नीट पढ़ो और इस सवाल को अगर आप टैकल नहीं कर रहे हो तो इम्पॉसिबल है. ये ग्राफ वाला सवाल तो आता ही आता है, हर स्टूडेंट को आना चाहिए. ऐसे आपको तीन आइसोथर्म्स दिए हुए हैं. ठीक है, मैंने उतने प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं किया है. इनका टेम्परेचर दिया है T1, इसका टेम्परेचर दिया है T2, इसका टेम्परेचर दिया है T3. ठीक है, अच्छा. अब आपको एक्चुअली ये तो पता है कि ये प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाला ग्राफ है, बट अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि यहाँ पे T1, T2, T3 इनके बीच का आप रिलेशनशिप बताइए, मतलब T1, T2, T3 इक्वल होंगे, T1 बड़ा होगा T2 से, कौन छोटा होगा, इस तरीके का वो आपसे सिचुएशन पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे. इस टाइप में जब भी सवाल आए रिलेशनशिप टाइप का बेस्ट तरीका होता है या तो आप x एक्सिस के परपेंडिकुलर या तो आप y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाओ जो तीनों आइसोथर्म्स को या किसी भी ग्राफ को कट करते हुए जा रही है. ये होता है बेस्ट तरीका, तुम्हारी मर्जी. x एक्सिस के अलॉन्ग भी बना सकते हो, y एक्सिस के अलॉन्ग भी बना सकते हो, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मान के चलते हैं मैंने y एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर बना दिया. कैसे, ये देखो, डॉट 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 डॉट, ये मैंने आप लोगों की लाइन बना दी. ये रेड वाले ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, ये वाले ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है, ये वाले ग्राफ को यहाँ कट कर रहा है. ऐसी एक परपेंडिकुलर लाइन बना देने से हमें मतलब क्या है, पता क्या चलता है, इससे फील ये आती है भाई कि तीनों ही सिचुएशन के लिए मैंने वॉल्यूम बराबर, बोलो क्या रख दिया है, कॉन्स्टेंट रख दिया है ना. वॉल्यूम बराबर मैंने क्या रख दिया है, कॉन्स्टेंट. पहले आइसोथर्म, दूसरा आइसोथर्म, तीसरा आइसोथर्म, तीनों के लिए वॉल्यूम हमने क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है. इससे ये पता चलता है. ओके, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट रख दिया है, बट क्या प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है क्या तुमको? नहीं, प्रेशर तो सबका अलग अलग है ना. जैसे अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर क्या है, तो तुम कहोगे लेट से इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट के हिसाब से जो प्रेशर है, लेट से ये P3 है, ये यहाँ इस आइसोथर्म T2 का प्रेशर बोलो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए कितना है, तो ये P2 होगा. इस पर्टिकुलर आइसोथर्म का वॉल्यूम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, प्रेशर उस पर्टिकुलर वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए कितना होगा, P1 होगा. अब अगर कोई तुमसे ये पूछ रहा है नॉर्मल इंसान कि भैया अगर हम लोग एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रखते हैं तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर्स का क्या रिलेशनशिप आ रहा है फॉर आइसोथर्म 1, 2 एंड 3, तो तुम ये कहोगे कि फॉर आइसोथर्म 1, 2 एंड 3 प्रेशर का देख यार, प्रेशर का रिलेशनशिप तो देखो ये आ रहा है ये. ठीक है, बट प्रेशर का रिलेशनशिप थोड़े ना पूछा था, रिलेशनशिप तो टेम्परेचर का पूछा था. क्योंकि यूजुअली प्रेशर का रिलेशनशिप हर पगला बता देगा, क्योंकि हर किसी इंसान को ये पता होता है कि जब भी ग्राफ दो पॉइंट्स के बीच में प्लॉट हुआ है और उन्हीं दोनों पॉइंट में से किसी एक का रिलेशनशिप पूछा जाए, तो किसी एक को आप इस तरीके की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके आप कॉन्स्टेंट कर दो और नेक्स्ट का रिलेशनशिप आ जाता है. बट एक्चुअली यहाँ पे जो इन चीज वाई एक्सेस और एक्सेस से पे प्लॉट ही नहीं हुई है, यानी कि टेम्परेचर, उसका रिलेशनशिप पूछा गया था. तो अब उसका रिलेशनशिप भैया हम कैसे बताएंगे, तो हमें तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता है, उसका रिलेशनशिप तो हमें पता ही नहीं है. तो कोई दिक्कत नहीं है उसका रिलेशनशिप बताने के लिए, PV = nRT जिंदाबाद. अब बताओ
एन तो हम मान के चलेंगे कि कांस्टेंट है, आर तो भैया ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता ही है, वॉल्यूम को तुमने कांस्टेंट किया है, और अब यहाँ से ये समझ में आया कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये मत बोलना कि मैडम आप तो बॉयल्स लॉ पढ़ा रही हो तो बॉयल्स लॉ में तो आपको टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखना चाहिए। ये मैंने इसीलिए तुमको पहले वाली चीज़ बता दी क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी तो मुझे ये डाउट आया था। तो देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है ये मैं अभी भी मानती हूँ, बट वो एक पर्टिकुलर आइसोथर्म के लिए, यानी कि ये जो T1 टेम्परेचर है ये इस पर्टिकुलर आइसोथर्म के लिए कांस्टेंट मेंटेन होगा, ठीक है। अच्छा ये जो T2 आपका टेम्परेचर है ये इस पर्टिकुलर आइसोथर्म के लिए कांस्टेंट मेंटेन होगा, समझ लो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कब है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो मैं ये जो PV=nRT लगाई हूँ, ये PV=nRT तो मैंने ये सारे आइसोथर्म्स के लिए एक साथ लगाई है। सारे आइसोथर्म्स के लिए तो हमेशा आपका आर तो वही रहेगा, मोल्स हम मान के चल रहे हैं कि इक्वल है, करना पड़ेगा यार। अच्छा बात ये है कि अब टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर के लिए क्या दिख रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अगर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो बताओ, अभी प्रेशर और अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रिलेशनशिप ये आ जाएगा T1 > T2, T2 > T3, ये इस तरीके से। यही सेम रिजल्ट तुम्हें तब भी मिलता जब तुम एक कांस्टेंट परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से ड्रॉप करते, वाई एक्सिस से ड्रॉप करते, सच दैट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जरूरी नहीं है कि मैंने वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉप किया है तो तुम्हें भी वाई एक्सिस के अलोंग ही ड्रॉप कर, एक्स एक्सिस के अलोंग ही करना है, जैसे भी करो, बट उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कांस्टेंट मानो, और जो दूसरा वेरिएबल बच गया है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर उसका रिलेशनशिप निकाल लो। फिर PV=nRT से जो कांस्टेंट है और जो ढूंढना है उनको काट पीट करके इस तरीके का रिलेशनशिप आपको ढूंढना होगा। तो ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन था किस चीज़ को लेकर, आप लोगों के PV=nRT को लेकर। ये ना पूछा जाए ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ पूछी जाती है, मतलब ये चीज़ पूछी जाती है, ये बहुत ही क्योंकि फेमस है, ठीक है। अच्छा आइसोथर्म्स होते क्या है, एक बहुत ही गंदे लेवल का सवाल। तो जब हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो जो कर्व्स हमें मिलते हैं दीज आर नोन एज वॉट, आप लोगों का आइसोथर्म्स। इन्हें हम लोग पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं। अच्छा ऊपर से इन आइसोथर्म्स की ये शेप क्या होती है, जैसे तुमने पढ़ा होगा सर्कल एक शेप है, कोन एक शेप है, स्फीयर एक शेप है, तो मैथ्स की दुनिया में इसे कहा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसे क्या कहा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये तो कौन सी वाली शेप है आपकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये, बराबर ये इस तरीके से। ये तो हो गया तुम लोगों का पहला ग्राफ, ठीक है, ये तो हो गया तुम लोगों का पहला ग्राफ। अब इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब विभिन्न विभिन्न प्रकार के ग्राफ्स तुम लोगों से पूछे जाएंगे। अच्छा अब वो ग्राफ्स क्या है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जिस तरीके से क्वेश्चन वाले ने तुमसे ये पूछा कि प्रेशर वर्सेस, आप किसका ग्राफ बनाओ, वॉल्यूम का। ग्राफ नंबर टू यहाँ से देखो जो चीज़ पूछी जा सकती है वो ये कि आप मान लेते हैं आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आप वाई एक्सिस पर पीवी को प्लॉट करो और आप एक्स एक्सिस पे पी को प्लॉट करो। या फिर मान लेते हैं ग्राफ नंबर थ्री तुमसे ये पूछ लेगा कि आप वाई एक्सिस पर पीवी को प्लॉट करिए और आप एक्स एक्सिस पर वी को प्लॉट करिए। तो सबसे पहले तो ग्राफ को रट्टा नहीं मारते, ठीक है। मैंने क्योंकि ऐसा करने की कोशिश की थी, अच्छा नहीं होता ये रिजल्ट, ठीक है, ग्राफ को रट्टा मारना। ग्राफ को पहली बात तो रट्टा नहीं मारते, आपको अगर पता ही नहीं है कि ग्राफ बनाया कैसे जा रहा है, कब कांस्टेंट आएगा, कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, कब पैरेलल आएगा वगैरह वगैरह, तो आप मतलब कभी भी उस चीज़ को खुद एक अननोन सिचुएशन में नहीं कर पाओगे टैकल, ठीक है। तो वो चीज़ तभी पॉसिबल होती है जब आपको खुद को ग्राफ बनाने आते हों, अदरवाइज वो चीज़ नहीं होगी। अभी जैसे मान लेते हैं मैंने तुमको एक मिनट, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको एक ग्राफ बनाते कैसे हैं ये आपको बता होना चाहिए।
तो ग्राफ बनाने के लिए एक ही सिंपल सा नियम है। अब जैसे क्वेश्चंस में बोला जाता है कि कौन कांस्टेंट है कौन सा नहीं है, तो अब जैसे दिख रहा है कि प्रेशर और वॉल्यूम के वर्सेस का ये ग्राफ है, तो मान के चलिए आपके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा होगा, है ना। अगर ये मानकर नहीं चलोगे तो कैसे चलेगा। तो हम लोग उठाते हैं अपनी वही पूरी यूनिवर्सल इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब जैसे ये इक्वेशन मैंने उठा ली, अब इस इक्वेशन को उठाने के बाद मुझे जिस क्वांटिटी को वाई एक्सेस पे प्लॉट करना है वो तो है पीवी, कोई दिक्कत नहीं है, हम वाई एक्सेस पे पीवी को प्लॉट कर देंगे। बट जिस इक्वेशन को मुझे एक्स एक्सेस पे प्लॉट करना है वो कौन है आप लोगों का पी। अब कैसे इसको प्लॉट किया जाए, तो ये एक समस्या आ गई कि तो हमको आता ही नहीं है प्लॉट करना। तो इसके लिए देखो एक बहुत ही प्यारा सा तरीका है, उस तरीके को आप सीखेंगे। पहले मैं एक दूसरे ग्राफ के वाया सिखाती हूँ, फिर इसके में हम लोग आते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कल को किसी ने तुमसे ये कहा कि आपको ग्राफ नंबर 4 है, हाँ, कि आपको पी अपॉन वी वर्सेस 1/V का ग्राफ प्लॉट करना है बॉयल्स के लिए, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है मान के चलो अपने हर केस के लिए आज। तब कैसे करोगे, तो वही अपना उठा लो पी वी इक्वल्स टू क्या एनआरटी। ध्यान दो कि मुझको जिस क्वांटिटी को वाई एक्सेस से प्लॉट करना है वो है पी अपॉन वी। तो एक काम करते हैं, मुझे पी के नीचे वी तो दिख नहीं रहा है, बल्कि मुझको तो पी के बाजू में वी मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहा है। तो आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड बाय वी कर दो। अब पी अपॉन में वी, एक वी तो पहले से ऊपर था, लेकिन अगर मैं किसी क्वांटिटी को किसी वेरिएबल से अगर डिवाइड करूँ तो उसे सेम वेरिएबल से मुझे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। एडजस्टमेंट, अगर आप इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड +3 ऐड कर रहे हो तो आपको -3 भी करना पड़ता है। तो ये सिचुएशन कैसी हो गई, पी वी स्क्वायर अपॉन में वी इक्वल टू में क्या आ गया आप लोगों के एनआरटी, बराबर, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपका पी अपॉन वी जो आप चाहते हो वाई एक्सिस पे प्लॉट करना, इक्वल टू एन आर टी जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो वी स्क्वायर है इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ 1/V का होल स्क्वायर। अब मैं ये वाली क्वांटिटी में प्लॉट करना चाह रही हूँ वाई एक्सिस पर, बराबर, मैंने देखो यही लिखा है तुम लोगों को, और मैं 1/V को प्लॉट करना चाह रही हूँ एक्स एक्सिस पर। ध्यान देना, मैं वी को नहीं प्लॉट करना है मुझे एक्स एक्सिस पे, मुझे पूरे के पूरे जो 1/V की क्वांटिटी आएगी ना, उस 1/V की जो भी क्वांटिटी आएगी उसको मुझे प्लॉट करना है एक्स एक्सिस पर। वी को प्लॉट करना इज अ डिफरेंट थिंग और 1/V को प्लॉट करना इज अ डिफरेंट थिंग, ये तो मानते हो। अगर किसी चीज का वॉल्यूम 5 लीटर है और किसी चीज का वॉल्यूम 1/5 कर दो तो डिफरेंस आ जाएगा ना, तो मुझे 1/V को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना है। तो तुम्हें नहीं लगता ये ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइम्स ऑफ वाई, इस टाइप का दिख रहा है। अब तुम बोलोगे मैडम ये कांस्टेंट कहाँ से आ गया, ऑब्वियसली एनआरटी एक कांस्टेंट है, उधर मैं अगर वाई के नीचे डिवाइड में लेकर जाऊंगी तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा। और अगर तुम्हें थोड़ी सी भी मैथ्स का तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो ये किस प्रकार की इक्वेशन होती है, दीज आर द इक्वेशन रिजेम्बलिंग पैराबोला। ये किस चीज को रिजेम्बल करती है, पैराबोला को रिजेम्बल करती है, जिस तरीके से इनवर्स रिलेशनशिप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिजेम्बल करते हैं, ये किस चीज को रिजेम्बल करते हैं, पैराबोला को रिजेम्बल करते हैं। पैराबोला इस तरीके होती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 times ऑफ ए वाई, है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 times ऑफ ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 times ऑफ ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 times ऑफ ए वाई, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली ये इक्वेशन किस चीज को रिजेम्बल करती है, पैराबोला को रिजेम्बल करती है। और ये किस फॉर्मेट की है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले फॉर्मेट की है। तो ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाले फॉर्मेट के जो पैराबोला होते हैं ना, वो इस तरीके के होते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे। इसको याद रखने का एक तरीका है, वो तरीका ये है कि जहाँ पर स्क्वायर लगा हो उस तरह से आपको देखो क्लोज रखना है। जैसे स्क्वायर कहाँ लगा था, 1/V को हमने स्क्वायर कहा था ना, तो इस तरफ से देखो हमने चीज़ों को क्लोज रखा है, मतलब वहाँ से ऊपर की तरफ उठाना ग्राफ, उसका मुंह ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एक स्टूडेंट कई बार इस टॉपिक को लेकर भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बनाया मैडम आपने ऐसा, ठीक है। तो उसका जो मुंह है कहाँ से ऊपर की तरफ कहाँ लेके जाओगे, जहाँ पे स्क्वायर होगा उस तरफ नहीं खोलना, उसको उसके अपोजिट डायरेक्शन में खोलना। और इतना खोला खोली किस डायरेक्शन में करनी है ऐसा सोचने की नीड नहीं होती आपको, अगर आपको ये चारों कर्व्स अगर पता है तो कि किसका कर्व कैसा दिखता है। तो यहाँ पे ये तो ग्राफ मुझे सोचो आता नहीं था, ये ग्राफ तो हमने पढ़ा नहीं बट स्टिल हमने ड्रॉ कर लिया। तो इसी तरीके से आपको ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ग्राफ पूछे जाते हैं, आपको ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ग्राफ पूछे जाएंगे और आपको हर कंडीशन के ग्राफ कैसे पता होने चाहिए। अब जैसे
आज की क्लास की स्टार्टिंग में हमने किसके वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया था, पी वर्सेस वी, कैसा आया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था। अब मैं ग्राफ नंबर 5 देती हूँ, ये ग्राफ नंबर 5 भी बहुत फेमस है। इसमें तुमको दिया जा रहा है प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम प्लॉट करो। तो तुम्हें लगेगा कि ग्राफ नंबर 1 में और ग्राफ नंबर 5 में डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ग्राफ नंबर 1 में एक्स एक्सिस पर वी लिए थे, यहाँ पे 1/वी ले रहे हो, तुम्हें नहीं लगता पॉइंट्स चेंज होंगे, बिल्कुल पॉइंट चेंज होंगे। अगेन कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ, पहले तो उठा लो अपने पसंदीदा पी वी इक्वल टू एन आर टी को, ये उठा लिया आपने। पी हमें वाई एक्सेस पे प्लॉट करना है, वो तो मेरे पास दिख रहा है। वी मेरे को एक्स एक्सेस पे प्लॉट करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पी इक्वल टू एन आर टी अपॉन में 1/वी। अब ध्यान से सुनो, पी मेरे को कहाँ प्लॉट करना है, वाई एक्सेस पर। एन आर टी एक कॉन्स्टेंट है, फॉरगेट इट, लेट से कॉन्स्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद 1/वी को मुझे एक्स एक्सेस पे प्लॉट करना है, मुझे एक्स एक्सेस पर 1/वी को प्लॉट करना है, 1/वी को एक्स एक्सेस से प्लॉट करना है, यानी कि पूरा का पूरा 1/वी कहाँ रहने वाला है, एक्स एक्सेस पर रहने वाला है। तुम्हें नहीं लगता ये ग्राफ इस फॉर्मेट का दिख रहा है, वाई इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट का। और अगर कोई भी ग्राफ वाई इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट का होता है, इसका मतलब ये ग्राफ कौन से नेचर का है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है, जो कि कहाँ से पास हो रहा होगा, ओरिजिन से पास हो रहा होगा, पासिंग थ्रू वॉट, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इट मीन्स दैट ये जो P और 1/वी का जो ये ग्राफ बनेगा, ये कैसा बनेगा आप लोगों का, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। समझ रहे हो ये स्ट्रेट लाइन क्यों बना? तो कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है नहीं बन रहा है, ये मुझको कैसे पता होगा? आप इसी तरीके से नेचर, मतलब कौन y एक्सिस पर है, हमें x एक्सिस पे क्या चाहिए, इस तरीके से इक्वेशन को रीअरेंज कर करके हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये किस स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट का ये दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर ये ग्राफ y इक्वल टू एम एक्स वाले फॉर्मेट का है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड होता है ना m, इस m वर्ड का मतलब होता है क्या, स्लोप। तो ये जो एन आर टी हुआ, ये एन आर टी उस पर्टिकुलर ग्राफ का क्या है, स्लोप। मतलब अगर कोई मुझसे पूछेगा इस ग्राफ की स्लोप क्या है, तो मैं स्लोप के नाम पे इसे क्या कहूंगी, एन आर टी। अब यही सवाल अगर मेंस में पूछा जाना हो, तो मेंस में देखो ये सवाल कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, आपको एक प्रेशर और एक वॉल्यूम का, या सॉरी 1/वॉल्यूम का इस तरीके से आपको ग्राफ दे देगा, और मान लेते हैं यहाँ पे थीटा की एक वैल्यू दे देगा। अब अगर तुम लोग 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, ठीक है, जो कि CBSE में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो थी उसमें ये चीज़ नहीं थी, बट जो स्टेट बोर्ड वाले थे उनके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये चीज़ थी, और तुम लोग अगर लेट से 10th में नहीं भी पढ़े हो तो अभी 11th 12th की मैथ्स में तो ये चीज़ पढ़ ही लोगे कि स्लोप अगर ग्राफ को देख के निकाला जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्लोप होता है tan थीटा के बराबर, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ध्यान रखना इसको लेकर कई बार होता है गड़बड़ियाँ, क्यों होता है, क्या होता है, वो फिजिक्स और मैथ्स वालों का काम है, मेरा काम नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस tan थीटा के बराबर होता है। मान लेते कल को तुम्हें थीटा दे दिया 60 डिग्री, और तुमसे पूछ रहा हो टेम्परेचर दे दिया 300 डिग्री सेल्सियस मान लो, और तुमसे पूछ रहा है कि बताओ उस सिस्टम में मोल्स कितने। तुम बोलोगे अरे यार कैसे निकाले हैं, हम लोगों को तो कोई डेटा भी पूरा नहीं दिया है। तो ऐसे में आपको डेटा दिया है, आपको ग्राफ दिया है, आप देखो वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसके बराबर है, एन आर टी के बराबर है। तो आप tan 60 डिग्री लगाकर स्लोप निकाल लोगे, आप उस स्लोप की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, r तो तुम्हें याद ही होगा, t या n दोनों में से जो भी क्वांटिटी दी है उसको पुट करोगे, और जो नहीं दिया उसको निकालोगे। इस तरीके के सवाल इस पर्टिकुलर ग्राफ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको कुछ पूछा जा सकता है तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि थीटा आपको दिया जाए, हो सकता है कल को कंडीशन ऐसी हो कि आपको n दे दे, r दे दे और आपको t भी दे दे, और आपको पूछे कि बताओ ये थीटा कितना है। तो हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग कैसे ख़राब हो जाता है कि अरे हमने तो आज तक कभी कोई केमिस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा जिसमें थीटा इन्वॉल्व हो, तो मैडम हम कैसे बताएंगे कि थीटा कितना है, हमें कैसे पता है थीटा कितना है। तो देखो बेसिकली इन दोनों क्वांटिटीज़ में से टोटल यहाँ 3 वेरिएबल है, 1, 2 और ये 3, इसमें से कोई भी आपको 2 वेरिएबल क्या होंगे, गिवन होंगे, कोई भी 2 वेरिएबल, मुझे क्या पता कौन से 2 वेरिएबल आपको गिवन दिए होंगे। और आप लोगों का जो 1 वेरिएबल है, ये 1 वेरिएबल आप लोगों का बोलो क्या होगा, टू फाइंड होगा, ठीक है। तो वो जो 1 वेरिएबल आपका टू फाइंड होगा ना, वो आपको ढूंढना है।
कल को एन दे देगा, टी दे देगा और थीटा पूछेगा। तो अगर थीटा पूछ लेगा तो लेट से आप स्लोप निकालोगे, उसका इन्वर्स ले लोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। तो ये होता है इस पर्टिकुलर ग्राफ से पूछा जाने वाला टाइप वन सवाल। इवन जितने भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं, जितने भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को लेकर, और उसमें तो मेंस में या कह सकते हो जेडब्ल्यू के इतिहास में कई बार सवाल पूछा जा चुका है अलग अलग तरीकों से। तो हर स्ट्रेट लाइन ग्राफ पे स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते ही जाते हैं। अभी रिसेंटली सरफेस केमिस्ट्री में ग्राफ था लैंगमेयर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन मात्र पूछ लिया गया था ग्राफ से ही रिलेटेड। इसी साल के मेंस के आई थिंक फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में शायद पूछा गया था, पहले वाले में ब्रह्मा के पेपर में आया था वो वाला सवाल लैंगमेयर का। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स रहते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम लोग टाइप टू। टाइप टू इस पर्टिकुलर ग्राफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? टाइप टू कुछ नहीं रहेगा, आपको एक ऐसा लेट से ग्राफ बनाकर दे दिया गया है। मान लो ये ग्राफ है, प्रेशर है यहाँ पे वन बाय वॉल्यूम है। बोलो कैसा बनेगा ग्राफ? स्ट्रेट लाइन बनने वाली है ओरिजिन से। तो ये मान लेते हैं हमने पहली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, लेट से टी वन टेम्परेचर पर है। ये मान लेते हैं मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये मान लेते हैं टी टू टेम्परेचर पर है। और मान लेते हैं ये मैंने तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ये टी थ्री टेम्परेचर पर। वही पहला वाले टॉपिक का घिसा पिटा लॉजिक कि टी वन टी टू टी थ्री इनके बीच में आप कंपेरिजन करो। जैसा कि तुम्हें बताया था किसी एक क्वांटिटी को आप फिक्स कर लो, तो मेरा पसंदीदा है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं कैसा कर लेती हूँ, फिक्स कर लेती हूँ। इट मीन्स दैट मैंने वन अपॉन वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो फिक्स कर ली। अब इससे मुझे क्या दिख रहा है? इससे मुझे ये दिख रहा है कि टी थ्री वाला जो आइसोथर्म है उसके लिए इतना प्रेशर है, टी टू वाला जो आइसोथर्म है उसके लिए इतना प्रेशर है, और जो टी वन वाला आइसोथर्म है उसके लिए इतना प्रेशर है। मतलब अलग अलग आइसोथर्म्स के लिए क्या क्या प्रेशर है ये मुझको क्या कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है। दो मिनट रुको गया,